डियर आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएसई क्लास 12 2022 के सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, रिजल्ट को लेकर आखिर मीडिया में क्या चल रहा है, आईसीएसई एंड आईएसई के सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के रिजल्ट किस रूप में क्या आने वाले हैं, इसको लेकर मीडिया क्या कह रही है, लेटेस्ट अपडेट जो मैंने कंक्लूड किया, कंपाइल किया है, एक के बाद एक प्रूफ बैकग्राउंड के रूप में दिखला दे रहा हूं, जिसको आप देख लेंगे। सबसे पहले एनडीटीवी एजुकेशन कहता है कि एक्सपेक्टेड डेट और रिजल्ट के की पॉइंट्स यहां पर स्पष्ट रूप से बता दिए गए। उसने सीआईएसई ऑफिशियल या फिर जो भी जानकारी अपने तरफ से इकट्ठा किया उसमें सीबीएसई के अलावा सीआईएसई की बातों को इंक्लूड करता है और कहता है कि इस वीक ये रिजल्ट आ सकते हैं या इसको लेकर कुछ बातें हो सकती है, हालांकि इसमें कुछ अपडेट की भी बातें हैं। सीबीएसई और सीआईएसई काउंसिल के द्वारा इन रिजल्ट की खासियत है कि जुलाई के मिड के बाद, यानी कि 16th और 17th जुलाई के बाद ही ये रिजल्ट आने की बातें कहता है। बोथ बोर्ड के बारे में कहा गया है कि ये रिजल्ट उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और इसको लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो नेक्स्ट वीक तक ही मिल पाएंगे, यानी इस वीक तक एनडीटीवी एजुकेशन के हवाले से कहा जाता है कि कुछ नहीं आएंगे। अब हम लोग जी न्यूज के इस अपडेट को देखेंगे तो साफ साफ पता चलेगा कि यहाँ पर जी न्यूज ने कहा है कि इस वीक, यानी कि जी न्यूज का कहना है 16 तक रिजल्ट निकल जाने की उम्मीद है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है, जितने मैंने लोगों से बातचीत की है वहां पर इस बात के एडवोकेट करने वाले कोई नहीं है, क्योंकि आज 14th ऑफ जुलाई होने को है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, तो विदाउट नोटिफिकेशन सीआईसी कोई रिजल्ट को जारी नहीं करता है। यहाँ पर जी न्यूज के अगर अपडेट को पूरी तरह से पढ़ेंगे सीआईएससी के बारे में, तो सीबीएसई बोर्ड के बारे में ज्यादा बता रहा है, सीआईएससी बोर्ड के बारे में लाइव कई पॉइंट में जानकारी दे रहा है कि किस तरह से रिजल्ट आएंगे, क्या है और क्या सारी जानकारियां हैं जो आपको बैकग्राउंड में दिख रही हैं। इनमें कहा गया है कि इस वीक तक रिजल्ट आने के लिए इसने कुछ ऑफिशियल या कुछ अपने सोर्सेज के हवाले से बातचीत किए हैं। अब इस पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट एक अलग ही बात कहती है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि रिजल्ट रेज्यूम किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट के तैयार होने की बातें हिंदुस्तान टाइम्स कहता है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि रिजल्ट के अनाउंसमेंट को लेकर अभी बहुत कुछ किया जाना है और यह जो भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों रूप में आएगा, आप बैकग्राउंड के लास्ट में देख रहे होंगे, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट किए जा रहे हैं स्टूडेंट को लेकर, कि स्टूडेंट अपने स्कूल से जुड़े रहे और स्कूल के माध्यम से ही उनके रिजल्ट आ जाएंगे। वहीं पर क्विंट ने एक बड़ी बात बताई है सीआईएसई सेमेस्टर 2 रिजल्ट को लेकर, कि ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के साथ कई इसके जो सबोर्डिनेट वेबसाइट है वहां पर सेमेस्टर 2 के जो आएंगे, और उसको भी क्विंट बताता है कि इस वीक आने की उम्मीद है। इसको लेकर क्विंट ने कई कुछ अपडेट दिए हैं, एग्जैक्ट डेट तो अभी काउंसिल की ओर से नहीं बताने की बात कहा जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि सेमेस्टर 2 के रिजल्ट स्ट्रेंजली 16 जुलाई को आ जाएंगे, जैसा कि कोई जानकारी नहीं है, 14th ऑफ जुलाई तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बातें मैं 13th ऑफ जुलाई के नाइट में नियरली 12 के करीब मैं बता रहा हूँ, 12 जो कि मध्य रात्रि होने वाली है, तो यहाँ पर ये जानकारी है। वहीं पर आप न्यूज 18 के जो रिपोर्ट को देखेंगे तो न्यूज 18 की रिपोर्ट बताती है कि इस समय सीआईएसई और सीबीएसई बहुत तरह के पेचों में घिरी हुई है और इसके रिजल्ट को लेकर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और आप बैकग्राउंड में देख लीजिए एक कहा जा रहा है कि ये रिजल्ट है जुलाई के आस लास्ट में आएंगे और इसको लेकर कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। वही एनडीटीवी इंडिया का हिंदी वेबसाइट है वो कहता है कि सीआईएसई के रिजल्ट के लिए तैयार रहे, वो कभी भी आ सकता है और इसको लेकर कोई भी रहम नहीं किया जाना चाहिए। मतलब रहम करने का अर्थ है कि स्टूडेंट को अपनी तरफ से तैयार रहने होंगे कि ये रिजल्ट आएंगे, और इसको देखने को लेकर भी एनडीटीवी एजुकेशन या इस एनडीटीवी इंडिया के जो भी उस हिंदी वेबसाइट है उसने बताया है। इसी बीच आप आईसीएसई क्लास 10th का ये 10 ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ये सॉल्व है, ये काफी अवेलेबल है, और इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेज करते हैं 2023 के एग्जामिनेशन के लिए काफी उपयोगी है। तो बने रहिए, मेक द ब्लैक थंब रूल एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ।